हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द वंडरफुल वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि हम समरी कर चुके हैं. इफ़ यू वांट टू सी द समरी तो समरी को सर्च कीजिए, द वंडरफुल वर्ड समरी बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट. टुडे नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. किसके क्वेश्चन आंसर्स? दोनों बुक में दिए हुए हैं, एक सेलिब्रेशंस में भी दिया हुआ है इसी चैप्टर्स को, और एक दूसरी बुक में भी दिया हुआ है जिसके क्वेश्चन आंसर डिफरेंट है. तो आप देख लीजिएगा जो उनसे आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए. मैं दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यू कैन चेक योर ऑल क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, और समरी का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम. सबसे पहले आइए एमसीक्यू को देखते हैं. यहाँ पे द पोएट आस्क टू थिंक एंड फाइंड प्रॉपर वर्ड्स. तो करेक्ट आंसर होगा एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ क्लियरली, मतलब कि हम जो अपने विचार हैं अपने वर्ड्सों को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स में. नाउ लेट्स सी द सेकंड. अकॉर्डिंग टू द पोएट, इंग्लिश इज अ वर्ड गेम बिकॉज इंग्लिश जो है एक गेम है, वंडरफुल गेम है. क्यों? बिकॉज इट एनकरेजेस पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि इससे जो है लोग एनकरेज होते हैं अपने आप से. चलिए नाउ हियर द गिवन एक्सट्रैक्ट बिलो, उसको आपको पढ़ना है और कम टू द नेक्स्ट पेज, देखते हैं क्या पूछा गया है. क्वेश्चन रिलेट करते हैं. वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट विच इज़ इम्प्रेस्ड. ठीक है, इम्प्रेस्ड. सेकंड का है द पोएट सेज अ ब्यूटीफुल थॉट एंड अमेजिंग सरप्राइज्ड. जो ब्यूटीफुल थॉट्स है वो हम एक अमेजिंग सरप्राइज के रूप में बोलते हैं. चलिए हाउ आर द वर्ड्स रिलेटेड टू आइडियाज़, कैसे? एवरी थाट्स आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. हमारे जो वर्ड्स हैं, जो थाट्स हैं, वो हमारे बोल से पता चलते हैं. एवरी थाट्स आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. हमारी जो भी माइंड्स में जो भी विचार चल रहा है वो हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डज द पोएट से अबाउट वर्ड्स इन द पोम? सो लेट सी द आंसर. नाउ सी ऑल द आंसर्स. व्हाट डज द पोएट से अबाउट वर्ड्स इन द पोम? यहाँ पे किस तरह के वर्ड्स को जो है पोएट ने डिस्क्राइब किया है पोम में. इन द पोम द पोएट कॉल वर्ड्स द फूड. पोएट ने जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनको एक फूड के रूप में एक्सप्रेस किया है, खाने के रूप में एक्सप्रेस किया है. ड्रेस ऑफ थॉट्स, मतलब कि हमारे जो विचार जिनको हम एक ड्रेस के फॉर्म में दिया है उन वर्ड्सों को. वर्ड्स हेल्प अस एक्सप्रेस आर थॉट्स. वर्ड्स जो है हमारी मदद करते हैं हमारे विचारों को बताने के लिए. एंड कम्युनिकेट विद पीपल, और लोगों से बात करने में. एवरी वन लव्स टू हियर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स. सबको जो है फ्रेश और ब्यूटीफुल वर्ड्स सुनना अच्छा लगता है, मतलब कि नई नई बातें सुनना अच्छा लगता है, ताज़ा बातें जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो. कम टू द सेकेंड हियर. ऑल दैट यू डू येट बीन सेड. तो व्हाट कैन कम आउट क्लियर एंड ट्रू? तो क्या इससे क्लियर और ट्रू है, इसमें क्या है, क्या चीज़, किस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे? फिर भी कहा गया है तो यहाँ पे द ब्राइटेस्ट थॉट्स एंड आइडियाज़, मतलब कि पूरे जो ब्राइटेस्ट थॉट्स, सबसे अच्छे ब्राइटेस्ट, बिल्कुल चमकदार विचार जिसको बोलते हैं हम, या फिर आइडियाज़ जो हमारे आइडियाज़ जो थॉट्स होते हैं उनके बारे में क्लियर और ट्रू बताया गया है. व्हाई डू थॉट्स नीड्स टू बी ग्रूम्ड? ग्रूम्ड हियर मीन्स प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. यहाँ पर जो हमारे थॉट्स हैं उनको ग्रूम्ड मीन्स होते हैं उनको संवारने की क्यों ज़रूरत है, क्यों नीड है. द थॉट्स नीड टू बी ग्रूम्ड सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू. उनको संवारने की इसलिए ज़रूरत है जो भी हम कुछ बोले वो साफ और सच मुंह से बाहर निकले हमारे. इंग्लिश इज़ अ गेम टू प्ले, हाउ डज द पोएट जस्टिफाई इट? तो चलिए इंग्लिश एक तरह से गेम है खेलने के लिए. हाउ डज द पोएट जस्टिफाई इट? कैसे उसने जस्टिफाई किया है इसको? द पोएट सेज दैट इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम टू प्ले दिस गेम वन बाइंड एंड मैच वर्ड्स टू द थॉट्स इन हिज और हर हेड. इस गेम को खेलने के लिए वन मस्ट बाइंड, मतलब अपने हमारे जो माइंड में जो बातें जो घूम रही है उनको जो बांधने का काम है शब्दों के साथ और उसको फिर विचारों में प्रकट करना, उसको ये एक तरह का गेम कहा गया है. यूजिंग टू रेफरेंस फ्रॉम द पोम जस्टिफाई द टाइटल द वंडरफुल वर्ड्स. चलिए तो वंडरफुल वर्ड्स को जस्टिफाई करते हैं. वंडरफुल वर्ड्स इज़ एन एप्ट टाइटल फॉर द पोम.
apt means here, एक appropriate, एक उपयुक्त है टाइटल इसका जो. The poet says many things to show how wonderful words help add beauty to language as we use them to express our thoughts. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है कि किस तरह से हम अपने सुंदर शब्दों की मदद से एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने विचारों को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. वर्ड्स आर ऑल्सो वंडरफुल, वर्ड्स भी, शब्द भी हमारे जो हैं बहुत ही वंडरफुल होते हैं. बिकॉज एवरी वन लव्स टू हीयर फ्रेश, क्योंकि सभी को फ्रेश सुनना, ताज़ा खबरें सुनना एंड ताज़ा बातें सुनना एंड ब्यूटिफुल वर्ड्स, बहुत ही अच्छे शब्दों को सुनना आर मीनिंगफुल एंड मेक देम हैप्पी. और उनको सुनने में मज़े आने में ही सबको जो है यहाँ पे इसीलिए जो है वंडरफुल शब्दों को जो है वंडरफुल कहा गया है. What do you think about words being the food and dress of thoughts? Give reason to support your answers. तो आप इस बारे में बताइए, आपका आप क्या समझते हैं इससे, food and dress of thoughts से, मतलब कि शब्दों के विचार जो है यहाँ पे उसको भोजन और पहनावा होने के बारे में आप क्या सोचते हैं यहाँ पे. Words are like food and dress of thoughts. यहाँ पे वो शब्दों को जो है एक तरह का खाना और ड्रेस बताया गया है विचारों को. They help us to express the thoughts in clear. ये मदद करते हैं हमारी एक्सप्रेस करने में, शो करने में हमारे विचारों को बहुत ही क्लियर, साफ एंड ट्रू मैनर, बहुत ही अच्छे मैनर्स में. वर्ड्स गिव बॉडी एंड फॉर्म टू द ब्यूटीफुल थाट्स. वर्ड्स जो हमारे जो शब्द हैं वो एक तरह से एक बॉडी है एंड फॉर्म टू द ब्यूटीफुल थाट्स, जिसमें कि बहुत सुंदर सुंदर शब्द जो विचार हैं वो बनाए गए हैं. दैट आर इम्प्रेस्ड इन आर माइंड, जो हमारे माइंड में बंधे हुए हैं, हमारे दिमाग में जो घूम रहे हैं वो हमारे शब्दों के रूप में, थॉट्स जो हैं शब्दों के रूप में बाहर आते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल एंड टेक केयर.